तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यूनिक रेसिपी, साबूदाना सूप। तो बस आप इसको देखिए कितना गर्मा गर्म और कितना ही टेस्टी बना है, जैसे कि हॉट एंड सॉर सूप का टेस्ट होता है, बिल्कुल वैसा टेस्ट है। तो गाइज़, एक बार मेरे साथ बनाइए और बताइए कि कैसा बना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साबूदाना सूप। तो सूपी साबूदाना बनाने के लिए एक बाउल ले लेते हैं, उसमें ये कप के साइज़ से एक कप साबूदाना ले लेते हैं, और अगर वज़न में देखें तो 125 ग्राम है। अब इसको दो बार अच्छे से धो लेते हैं, तो इसका जो स्टार्च है निकल जाएगा। अब दो बार हमने इसको धुल लिया है, थोड़ा सा पानी डाल के, करीब जितना साबूदाना है उसका डेढ़ गुना पानी डाल के हम इसको 10 मिनट के लिए रख लिए हैं। और अब कढ़ाई गर्म है, एक चम्मच हम इसमें देसी घी डाल देंगे, और उसके बाद इसमें हम ये आधी चम्मच जीरा डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी सूप होता है ये, और व्रत में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर कुछ भी खाने का मन ना हो और रात में ये बना लीजिए तो बहुत ही अच्छा लगता है। तीन टमाटर हमने बारीक कट करके रखा है, और चार से पांच हरी मिर्च कट कर लिया है। तो ये हरी मिर्च हम इसमें डाल देंगे, और थोड़ा ये तीखा होता है तभी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अगर आप तीखा नहीं खाते तो कम भी कर सकते हैं। और इसको अच्छे से भून लेंगे मिर्च को, और इसके बाद हम इसमें आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। काली मिर्च पाउडर थोड़ा ज़्यादा होगा तभी और अच्छा उसका फ्लेवर आता है। और फिर ये तीन मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके रखे थे वो डाल देंगे। तो बस टमाटर को अच्छे से चला लेंगे, और अच्छे से इसको गलने तक पकाएंगे। फिर इसमें ये साबूदाना डाल देंगे। साबूदाना हमने धुलने के बाद 10 मिनट के लिए सिर्फ रखा था, ज़्यादा नहीं रखना है क्योंकि हमें इसको ऐसे ही पकाना है। और देखिए, अच्छे से इसको हमने मिला के भून लिया है। और इसमें हम जैसे 125 ग्राम साबूदाना था तो करीब एक लीटर पानी डालेंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं रखना है, सूप के जैसा ही बनाना है। तो ये ऐसे ही इसमें पकेगा, और ये स्वाद के अनुसार हम व्रत वाला नमक डाल देते हैं। और मीडियम फ्लेम पे इसको कम से कम 15 मिनट हम पकने देंगे। और देखिए, ये 15 से 16 मिनट हो गया है, हमने बीच में एक दो बार और चेक किया था। अब ये बिल्कुल सूप जैसा एकदम गाढ़ा सा बन गया है, और अब इसको बंद कर देते हैं हम गैस को, और खूब सारी हरी धनिया डाल देंगे। तो चलिए, अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, इतना टेस्टी ये साबूदाना का सूप बनता है कि बस अगर आप एक बार बनाएंगे, इसको ट्राई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये नए तरीके से हमने साबूदाना सूप बनाया है। तो इसकी रेसिपी आपको कैसी लगी, एक बार खा के ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, थोड़ा सा काली मिर्च एक पिंच के बराबर और डाल देंगे ऊपर से, और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डालेंगे, वही एक पिंच के बराबर, और उसके बाद थोड़ी धनिया डाल देंगे, और हमने मूंगफली थोड़ी सी भून के रखी है। तो जैसे सूप में क्रूटॉन्स होते हैं, ब्रेड वगैरह फ्राई करके डाले जाते हैं, उसकी जगह पर आप मूंगफली फ्राई करके डालें, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। थोड़ा सा नींबू का रस मैंने डाला है, अगर आपको ज़्यादा खट्टा ना पसंद हो तो आप ना डालें, और अगर आपको ज़्यादा ही खट्टा पसंद हो, क्योंकि टमाटर ऑलरेडी ज़्यादा है, तो अब देखिए कितना अच्छा सूप का टेस्ट जो दिख रहा है, फ्लेवर दिख रहा है, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छा है। तो गाइस, कैसी लगी ये सूप की रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी कोई नई रेसिपी के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।